तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज है कि आप किसी को अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो आप अपनी स्थिति को देखो कि आप कहां एग्जिस्ट करते हो आप अपने चैप्टर को किसी के चैप्टर से कैसे कंपेयर कर सकते हो दिस इज द मतलब कह सकते हैं ना कि आ, मतलब ये कोई तुक वाली बात ही नहीं है ये कह सकते हैं हम लोग कोई तुक ही नहीं बनता इसलिए मैं कहता हूं कि आपका माइंडसेट ही आपकी सिलेक्शन को करवाएगा अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है ना अगर आप ये सोचते हो कि आप थोड़ा पढ़ के ऐसा पढ़ के वैसा पढ़ के निकाल लूंगा आपको पता है कि इतनी वैकेंसीज़ आपके पास है नहीं तो सर क्या करा जाए किस तरह का माइंडसेट रखा जाए सबसे जरूरी चीज़ है पहले खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करो आप नहीं हैं तो आप नहीं कर पाएंगे आप अगर हैं तो आप एग्जाम भी निकालेंगे और आप पढ़ोगे तो आपको यह लगेगा कि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो बेटा अगले साल भी एग्जाम्स आने वाले हैं यह बात सत्य है आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि और इसी बार निकल जाएगा ऐसा कर लो ये ले लो वो ले लो नहीं बेटा आप लोगों को अगर तैयारी करनी है तो आप लोगों को यह माइंडसेट रखना है कि आपको अपने चीजों को अच्छे से करना है बार बार नहीं करना एक बार करना है अच्छे से करना है तो इसी चीज को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स दो को तोड़ना चाहते हो फोड़ना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या है मेरी सलाह मान लोगे अच्छी बात है मैं अपनी एग्जैक्ट सलाह देता हूं यहां आपका ना तो नुकसान होगा ना आप लोगों को कोई बीट कर सकता है लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि हमेशा दो तरह के लोग होते हैं एक वो बच्चा जिसको ये लगता है कि सारी दुनिया में वो सबसे ज्यादा होशियार है दूसरा बच्चा उसको ये लगता है कि यार मैं सुनता हूं देखता हूं कि मेरे अंदर मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं और क्या कमी है अगर आप पहले हैं तो आगे आप नहीं देखेंगे अगर आप दूसरे हैं तो आप आगे देखेंगे दोनों ही चीजें आपके सामने हैं और स्पष्ट रखने वाला हूं आपको क्या लगता है और हां इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोशनल चीज मत समझना कि मैं इस चीज का प्रमोशन कर रहा हूं किसी चीज का बिल्कुल भी मत समझना क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि आप अपने माइंडसेट को देखना कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो आपकी क्या आवश्यकताएं हैं है, और आप आगे क्या सोच रहे हो अपने फ्यूचर के लिए अगर आप एल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो आप टेक्नीशियन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो आप एन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो या आप जूनियर इंजीनियर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो या आप ग्रुप डी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो या आप इनमें से कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हो लेकिन माइंडसेट अगर एग्जाम निकालने के लिए चाहिए तो मेरी सलाह मान लेना अगर आपको अच्छी लगे दिल से बोल रहा हूं आप यह मत सोचना कि सर प्रमोशन करने आ गए हो नहीं अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर मैं वही बोलूंगा कि आप प्लीज मत देखना आगे फिर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आप पहले बच्चे हो पहले वाले बच्चे आप सेकंड वाले बच्चे बनोगे तो आपकी आपके काम की सलाह मैं देने वाला हूं आपको आप सब लोगों को पता है कि आपका आने वाला एग्जाम बहुत स्पष्ट है कि ये आने वाला है सर अभी हम क्या करें अभी आप सोच रहे होंगे अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस एग्जाम के लिए फलाने टीचर से पढ़ लेता हूं इस एग्जाम के लिए फलाने टीचर से पढ़ लेता हूं इस एग्जाम के लिए फलाने टीचर से पढ़ लूंगा इस एग्जाम के लिए फलाने टीचर से पढ़ लूंगा इस एग्जाम के लिए फलाने टीचर से पढ़ लूंगा या फिर या फिर क्या सोच रहे हो कि मैं एएलपी के लिए एक तीन सौ निन्यानवे वाला ले लेता हूं फिर मैं टेक्नीशियन के लिए अलग पांच सौ निन्यानवे वाला कोर्स ले लूंगा फिर मैं एनटीपीसी के लिए अलग बारह सौ निन्यान वाला कोर्स ले लूंगा फिर मैं जूनियर इंजीनियर के लिए तीन सौ निन्यानवे वाला कोर्स ले लूंगा फिर मैं ग्रुप डी के लिए दो वाला कोर्स ले लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं आप लोगों से एक सिंगल डाउट पूछना चाहता हूं आप अगर बता पाएंगे तो बताना हाँ ना में जवाब आपका चाह रहा हूं मैं पहला डाउट मेरा यह है कि आप कैसी तैयारी करना चाहते हो हर एग्जाम की अलग अलग तैयारी करके क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाएगा मैं मान के चलो मेरे को बोल दिया जाए कि आ, तीन महीने बाद एग्जाम है और तुम मैं ना ये किताबें पढ़ लो मैंने किताबें पढ़ ली मेरा एग्जाम चार नंबर से रह गया कॉन्फिडेंस मुझे आ गया कि मैंने किताबें पढ़ ली और चार नंबर से तो रहा हूं बस अब एक कंडीशन को समझना चार नंबर से तो रहा हूं बस लेकिन क्या आपके मन में यह कॉन्फिडेंस है कि आपने पूरा पढ़ रखा है प्लीज हाँ या ना में जवाब दो बस हा या ना में जवाब चाहता हूं है कॉन्फिडेंस अच्छा दूसरी कंडीशन लेते हैं आपने कोई कोर्स खरीदा जहां आपको कोई कंप्लीट पढ़ाया ही नहीं गया कुछ कंप्लीट पढ़ाया ही नहीं गया कभी आपको बस ऐसे टाइम पास थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया चीजें छोटी छोटी पढ़ ली आप पेपर देने चले गए आप पेपर में सेलेक्ट नहीं हो पाए या फिर आप सेलेक्ट हो गए लेकिन मान के चलिए आप एन भी दे रहे हैं और आप यहां सेलेक्ट हो चुके हैं पहला सीबीटी निकल चुका है और फिर एन भी आपका आ गया तो क्या आप एन के लिए आपकी जो ए वाली तैयारी है उसे पॉजिटिवली ले ले पाओगे पाओगे क्या क्या सोच के बताओ क्या ले पाओगे? या डर रहेगा अंदर ऐसे नॉर्मल पूछ रहा हूं क्या डर रहेगा अंदर कि यार दोबारा करनी पड़ेगी यार दोबारा चैप्टर वाइज शुरू करो अब दोबारा करो तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूं अगर आप समझ पा रहे हैं अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो माइंडसेट नहीं है क्लियर मेरे भाई बुरा मत मानना माइंडसेट क्या होता है, है तो तो नहीं। नहीं माइंडसेट ये तो कि लेकिन अब मुझे एनटीपीसी के लिए पढ़ना है ना तो अब एनटीपीसी के क्वेश्चन करने मुझे अब ए के लिए पढ़ना है एएलपी के लिए करने मुझे अगर टेक्नीशियन के लिए पढ़ना है टेक्नीशियन के क्वेश्चन करने हैं सर ये क्वेश्चन की बात कहां से आ रही है आपके दिमाग में इसलिए आ रही है क्योंकि आपका है। अगर आपने वो ही नहीं किया टेक्निशियन नहीं सकता आप देखिए कि आप कितना खर्चा कर चुके होंगे साल भर में आप सोचिए अच्छा ठीक है चलो इस साल आपका एक भी एग्जाम निकल गए दो तीन एग्जाम और या फिर किसी कोई भी एग्जाम नहीं निकला फिर क्या करोगे अगले साल फिर सेम तीन सौ निन्यानवे पाँच सौ निन्यानवे नौ सौ निन्यानवे बारह सौ निन्यानवे यही करोगे ना क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर आपको लगेगा शुरू से पढ़ता हूँ यही चलता जा रहा है सदियों से जो बच्चा चार चार पांच पांच साल से पढ़ रहा है ना वो यही चाहता है उसको उसको पता है क्या लगता है कि कोई छोटा कोर्स करा दे यार कोई है ना ए की तैयारी चार महीने में करवा दे यार क्वालिटी ही नहीं पहचानते हो आप लोग आपने देखा यूपीएससी वाला बच्चा भटकता हुआ देखा है आपने या शॉर्टकट देखता हुआ देखा है

तरीका मतलब क्या होता है कि ऐसा पढ़ना है कि दोबारा ना पढ़ना पड़े उसके बाद क्या होती है उसके बाद होती है असली तैयारी पहले तरीके से पढ़ा जाता है फिर उसके बाद आपकी तैयारी शुरू होती है मैंने आप लोगों के लिए चीजें कई सारी की हुई हैं। मैं 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 आपको ये बताओ कि क्यों आरआरबी लेकर आया क्या बेवकूफ हूं नहीं क्योंकि यहां जो मैं काम कर रहा हूं ना यहां मैं वो काम कर रहा हूं जिस माइंडसेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं जिस माइंडसेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं मैंने इसके लिए अलग से बैच नहीं लाया ला सकता था नहीं ला सकता था अरे मैं ला तुम रोकते क्या मेरे को नहीं रोक पाते मैं लेकर आता फिर मैं बच्चों को, को बनाता मैं कहता बेटा ये ले लो फिर मुझे पता है टेक्नीशियन फिर आएगा तो टेक्नीशियन फिर बेच लूंगा फिर मैं सोचता एन फिर आएगा एन फिर बेच लूंगा मैं सोचता ग्रुप डी आएगा ग्रुप डी बेच लूंगा तो मैं अपने हिसाब से अगर सोचता तो मेरे लिए ये कंडीशन जो आप अभी मार्केट में देख रहे होंगे पर्याप्त कंडीशन है आपके लिए बट एक्चुअलिटी ये नहीं है एक्चुअलिटी ये है कि आप सभी लोगों को पढ़ना है फाउंडेशन अरे सर टाइम तो बचा बचा ही नहीं नहीं है अरे भाई कौन से एग्जाम के लिए टाइम ये तो बता दो ALP. मैं फिर कह रहा हूं अगर इसको फोकस करेगा ना इसको फोकस करेगा तो ये भी निकलेगा ये भी निकलेगा ये भी निकलेगा सर तैयारी पूरी नहीं हो पाई तो कौन कहता नहीं हो पाएगी मन तो लगाना पड़ेगा सर चलो मैं कहता हूं नहीं हो पाई आपकी तैयारी आपकी तैयारी मात्र अच्छी तैयारी मात्र आपकी साठ परसेंट हो पाई है एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई मेरे आपकी जो तैयारी है ना ये इस कोर्स से मान लो आप आरआरबी बैच पढ़ रहे हो तो आपने केवल सारी सब्जेक्ट पढ़ी आराम से पढ़ी आपने आपने ये नहीं देखा कि आपका ए है आपका निकलेगा नहीं निकलेगा आपने ये देखा लेकिन आपका जब पेपर लगा ए का जैसे मान लो जून जुलाई में पेपर आपका लग गया आपकी मान लो साठ तैयारी हो पाई है और आपने बढ़िया पढ़ा है आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है आप अभी साठ पर ही पहुंचे आपका सिलेबस नहीं हुआ आपका हमारा तो हो जाएगा सिलेबस आपका नहीं हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ आपका तो आप मुझे गाली दोगे नहीं। जब तक आप सीबीटी टू तक पहुंचोगे ना तब तक आपका हंड्रेड परसेंट सिलेबस हो चुका होगा लेकिन हंड्रेड परसेंट कौन सा वाला ये तीन सौ निन्यानवे वाला पांच सौ निन्यानवे वाला बारह सौ निन्यानवे वाला ये वाला कोर्स नहीं हुआ होगा आपका आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ होगा फाउंडेशन क्या होती है वो पढ़ के पता चलेगा कई सारे बच्चों को यही नहीं पता है ये क्लियर हुआ होगा आपका अच्छा इससे क्या होगा इसके बाद जब आप असफल हो जाओगे ना मान लो एल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बुरी से बुरी कंडीशन मान के चलता हूं आप टेक्नीशियन फोड़ लोगे आप एनटीपीसी फोड़ लोगे आप ग्रुप डी फोड़ लोगे और जब अगले साल जनवरी में ए आएगा ना तब ए का पिताजी भी फूटेगा लेकिन इसका सबर किसके पास है इसका सबर है आपके पास नहीं है बच्चा क्या करता है अच्छा तेरा उससे उस टीचर से हो गया ठीक है बेटा मैं भी देखता हूं अच्छा वो कहां है मैं आपको फिर बोल रहा हूं आप चैप्टर वन पर हो वो चैप्टर ट्वेंटी पर है तो भाई उससे कंपेयर करने से तुम्हारा क्या भला होगा मुझे बता दो आप कुछ भला नहीं होगा आपका भला होगा एक अच्छी तैयारी करने से आप सभी लोगों को मैं सलाह देता हूं कि आपको कहीं भटकना नहीं है फिर भी आप भटकना चाहते हो तो देखो जीवन में पांचों उंगलियां मतलब अपने हाथ में पांचों उंगली होती हैं और ये हमारी उंगलियां हैं ये पांचों उंगलियां ही बराबर नहीं हो पाई तो बच्चे कैसे बराबर हो सकते हैं जो एक बात को सुन लें एक सलाह को मान लें मैं आपको फिर बोलता हूं ये बैच बेस्ट बैच है ऑफर में ले लेना आज अभी ऑफर चल रहा है वन मिलियन का हमने ऑफर निकाला था लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आता क्वालिटी को ही नहीं समझ पाते वो लोग मुझे अफसोस है इस बात का बट मुझे ये पता है कि अगर आप एक बार पढ़ते हो हमारे साथ में तो क्वालिटी का अंदाज आपको पढ़ने से ही लग पाएगा अदरवाइज फिर वही वाली बात तीन सौ निन्यानवे दो सौ निन्यानवे पांच सौ निन्यानवे फंसे रहोगे और वो फिर आपका चलता रहेगा और उल्टा ज्यादा पैसा आप खर्च करोगे तो ये तो हो गई आर आरबी बैच की बात जहां मैथ का फाउंडेशन रीजनिंग का फाउंडेशन जनरल साइंस का फाउंडेशन जीके और करंट अफेयर सब कुछ मिलने वाला है सब कुछ करंट अफेयर की पीडीएफ देते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते ठीक है सर आरपीएफ एल पी एन टीपीसी ग्रुप डी सबके लिए तो सर बार बार किसी के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है बार बार पैसा खर्च करने की अपनी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर पर ऑफर चल रहा है ऑफर केवल बारह तारीख तक है बारह तारीख तक चलिए सर ये तो चलो ठीक है कई बच्चे सोचते हैं कि सर शॉर्टकट कोई कोर्स बना दो अरे शॉर्टकट कोर्स तो मैं फ्री दे दूंगा आपको वो जी दे रहा हूं मैं एक्सप्रेस बैच दे रहा हूं सब कुछ है लेकिन फिर वही वाली बात सेटिस्फेक्शन कब आएगा तो अगर आप केवल मैथ का लेना चाहते हो तो आपको मैथ पर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है पांच सौ निन्यानवे का मिलेगा केवल और केवल ये ये मिलियन के ऊपर है और ये मैं गारंटी दे रहा हूं मेरा जितना बैच हो चुका है वो रिकॉर्डेड मिलेगा और जो चल रहा है वो लाइव मिलेगा ऐसी प्राइस भी कभी नहीं आएगी और आप अगर ढंग से बैच को पढ़ ली है ना मैथ फाउंडेशन बैच तो ऐसा बैच आप जिंदगी में कभी और दोबारा पहली बात तो मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके साथ साथ कभी कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा ये मेरी गारंटी है साहिल सर का वादा है आपसे अगर आप मैथ फाउंडेशन बैच ही ज्वाइन कर रहे हो तो ये मात्र मैं आपको अभी हालांकि मैं कम नहीं करता प्राइस क्योंकि वही वाली बात है आज पंद्रह रख दो फिर पांच में बेच दो और क्वालिटी की ऐसी तैसी कर दो क्वालिटी को अच्छा बनाओ बैच की प्राइस कभी कम मत करो लेकिन अभी खुशी है वन मिलियन की तो कम कर रहे हैं तो जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाना बारह तारीख के बाद आपको ये प्राइस देखने को मिल जाए तो मेरे से आके कह देना आप नहीं मिलेगी फिर अगली खुशी पर ही मिलेगी कोई दिल से खुशी होगी तो ये बच्चों की खुशी थी और बच्चों की खुशी के लिए दिया गया ये ऑफर ये बारह तारीख तक वैलिड है ये सब कुछ लाइन वाइज नोट्स पीडीएफ सब मिलेगा सर इसके बाहर कुछ करना है किताब लेनी है कुछ नहीं लेनी लेकिन फिर वही भाई 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 बात पैर भी आपका कुल्हाड़ी भी आपकी आप मारना चाहते हो तो मार सकते हो पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहता हो तो कोई भी बच्चा मार सकता है कि सर हम तो चाहते हैं कि हम ये क्यों पढ़े क्या जरूरत है इनकी तो भैया मार लो हमें क्या दिक्कत है बट आपको मैं कहता हूं कि क्वालिटी यही है कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है मैथ की कुछ करने की जरूरत नहीं है जो करा रहा हूं वही करो बस नंबर सिस्टम लाइव चल रहा है बढ़िया एडवांस मैथ जोरदार पढ़ाऊंगा जोरदार लेवल से थोड़ा सा आप ही चलेगा क्योंकि कभी जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना ये बात ध्यान रखना तो, तो एलिमेंट्री परमुटेशन पूरे टॉपिक मेरे पास वो पढ़ाऊंगा इसी तरह से साइंस फाउंडेशन मात्र तीन में मिलेगा आज ये ऑफर में है सब ये प्राइस रहती है वरना ये आपको चार में मिलेगा रीजनिंग का जैसा आप लेना चाहो तो भैया आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप अच्छी तैयारी करो एक बार करो बार बार मत करो मैं फिर बोल रहा हूं अगर आप अभी भी नहीं मानोगे तो फिर आप अंतर देख लेना जो यहां पढ़ने वाले हैं और बाकी पढ़ने वाले हैं उनमें अंतर आपको रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा पेड कोर्स के अंदर जाना अपनी एप्लीकेशन पर रेलवे आरआरबी लेना है आरआरबी लेना रेलवे साइंस लेना है रेलवे जी लेना है जो भी लेना है आपको ले लेना आप अंदर जाओगे तो देखो कूपन लगा हुआ मिलेगा जैसे कूपन है वो कूपन मिलेगा इसी तरह से आरआरबी में भी कूपन मिलेगा आरआरबी में छह सौ रुपए का कूपन है ना छह सौ रुपए का कूपन है तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से ठीक है कूपन लगा दो ना और हो जाएगा काम ठीक है एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर तारीख तक का ऑफर है लिख भी रहा है देखो दो हजार चौबीस को एक्सपायर हो जाएगा ठीक है चलिए तो भैया अपनी तैयारी करो टेस्ट सीरीज के लिए अपनी एप्लीकेशन अलग है क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया तरीके से जुड़े रहो और सुनो कल से आपकी फ्री क्लासेस भी शुरू हो रही हैं तो एक्सप्रेस बैच में भी आप आइए नौ दस ग्यारह बजा देंगे सबके बारह और शाम को प्रैक्टिस क्लासेस भी चलेंगे यूट्यूब पर तीन बजे छह बजे और रात को दस बजे कैच द मैथ कैच द रीजनिंग और कैच द साइंस जय हिंद जय भारत वंदे मातरम उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी दूसरे तरह के छात्रों को मिली हो और पहले छात्र कमेंट करने से पहले अगर आपने वीडियो देखी है तो कमेंट करने से पहले प्लीज थोड़ी सी रेस्पेक्ट रखना अगर आप रख सकते हो तो अदरवाइज किसी का कुछ नहीं कर सकते जय हिंद जय भारत वंदे मातरम